भाई चलते हैं आज हम वेज बिरयानी बनाने के लिए, वेज दम बिरयानी। तो हमने पहले चावल ले लिया बासमती लंबा वाला इंडिया गेट। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। तो हम दोस्तों सबसे पहले पकाने से पहले इसको धोएंगे अच्छे से और भिगा के रख देंगे कम से कम आधा घंटा। तो हम इसको पहले भिगा लेते हैं, फिर हम पानी चढ़ाएंगे। दोस्तों पानी चढ़ा दिया चावल बॉयल होने के लिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अच्छा गरम मसाला, इसके साथ में बॉयल हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा और पानी में। और इसमें डाल देंगे एक डेढ़ चम्मच नमक, एक चम्मच अच्छे से राइस में पानी मिक्स हो जाए, राइस में नमक मिक्स हो जाए और एक चम्मच शक्कर। तो दोस्तों हम पानी को ढक दिए हैं, अभी पानी हमारा गर्म हो जाएगा तब तक हम भाजी कट कर लेंगे। तो हमारा दोस्तों पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हमने चावल को एक घंटा भिगा दिया, तो हम इसमें चावल को डाल देंगे। तो हमने दोस्तों सारे मिक्स वेजिटेबल कट कर लिया है, अभी इसको हम धो लेंगे। चावल भी हमारा अच्छी तरीके से उबल रहा है, पकने वाला है, तो हम इसको थोड़ा चला लेते हैं। हम हाथ से चेक कर लेंगे, तो हमारा चावल पकने वाला है एकदम से। तो निकालने के लिए एक स्टेनर ले लेंगे। तो दोस्तों हमारा चावल पक चुका है, हम इसको एक स्टेनर में पलटी कर देंगे, इसका पानी निकाल देंगे। हमने थोड़ा कम पकाया है, कड़क के दम लगाते समय भी हल्का पकेगा अच्छे से। चलिए दोस्तों अब हम भाजी पका लेते हैं। तो हम भाजी बॉयल नहीं करेंगे, हल्का तेल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। दो चम्मच ऑयल ले लिया, तीन चम्मच। अब इसमें हम भाजी को फ्राई करते हैं, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है वेजिटेबल को फ्राई करते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों, तो हम अभी वेजिटेबल को इसमें डाल देते हैं। तो हम दोस्तों इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे कि अच्छे से पक जाए, फ्राई भी हो जाए पानी छोड़ के। तो हम इसको अच्छे से फैला लेंगे, 5 मिनट इसको ढक लेंगे, कवर करेंगे अच्छे से पक जाए, तब तक हम इसके मसाले के लिए रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों हमें ढक्कन हटा के चखा, तो हमारा वेजिटेबल कम ऑयल में अच्छे से फ्राई हो रहा है और पक भी रहा है। तो वेजिटेबल हमारा फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकाल देंगे। और जो इसमें हमने दोस्तों कढ़ाई खाली कर लिया, और इसमें हम 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे, और इसमें ग्रेवी का कांदा जो हमने काट के रेडी किया वो डाल देंगे। साथ में डाल के फ्राई कर देंगे, टमाटर भी डाल देंगे, थोड़ा पका देंगे। फिर हम इसको बीच के बिरयानी का मसाला ले लेंगे। तो हमारा भी कांदा और टमाटो ग्रेवी का पक चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा डाल देंगे। Thank you.
हमारा दोस्त तो खानदा ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है, तो हम अभी इसको एक मिक्सर के जार में निकाल देंगे। मसाला अच्छे से पक रहा है, ग्रेवी उधर डाल के गैस फ्लेम थोड़ा पास किया, चलाएंगे इसको। तो दोस्तों हमारा मसाला ग्रेवी पक चुका है, दोस्तों हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे अच्छे से। आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि हमने राइस में भी नमक डाल दिया है और वेजिटेबल में भी, तो हम नमक में डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे घी, घी का मात्रा कम से कम 2 चम्मच गोवर्धन घी मैं यूज करता हूँ, देसी आप देसी घी भी यूज कर सकते हो। अब ये सारे मसाले पक जाएंगे तो हम डाल देंगे, भाजी भी डाल देंगे साथ में, अच्छे से भाजी और मसाला और स्ट्रक्चर्स मिक्स हो जाए। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे 1 चम्मच के आसपास, मसाला काफी ज्यादा हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा ऐड किया है दोस्तों, हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी थोड़ा निकाल के, राइस और एक कढ़ाई में पानी भर के दम लगा देंगे। तो हम मसाला निकाल लेंगे दोस्तों, थोड़ा कोरिएंडर लेंगे निकाल के। वाह दोस्तों चावल डाल चुके हैं, थोड़ा सा हल्दी गोल के ऊपर से खरने से कर लिया, और कश्मीरी मिर्ची धनिया पत्ता से
गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। तो हमारा बिरयानी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। डोर फॉइल ले लिया, डोर फॉइल से कवर कर देंगे बिरयानी अच्छे से। दम लगाने के लिए पानी भी गर्म हो चुका है, दम के लिए दम लगा दिया अभी। रेडी हो गए तो हम देख लेते कैसे।